मुखिया जी जी महोदय को प्रणाम करता हूँ और आपसे बस इतना कहता हूँ, जहाँ हमारे गुण प्रकट हो वहाँ आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, लेकिन अगर कहीं हम कहीं लड़खड़ा जाएं तो कृपा करके अपनी बाह पकड़ के थाम लीजिएगा। और इस भावना के साथ मैं एक अनुभव कर रहा हूँ आज इस मंच पर। उदय दादा ने बड़ा अद्भुत काम किया है, मंच की जो सूची मैंने देखी उसमें 3 पीढ़ियाँ एक साथ उपस्थित हैं, श्रद्धेय चंद्र सिंह, विराट जी, रामेंद्र दादा, इन लोगों की एक पीढ़ी है और एक पीढ़ी बीच की है हमारे मित्रों की, सुनील जोगी हैं, उस ये तो बहुत युवा पीढ़ी में है, कुंवर जावेद हैं और तमाम लोग हैं जो मध्य की पीढ़ी के हैं और एकदम बिल्कुल नए लोग हैं जिनमें कविता है। मैं चाहता हूँ इन तीनों पीढ़ियों का क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण होता रहे। अभी आपने कविता को सुना, मैं दूसरी पीढ़ी के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़ा नाम हमारे कवि सम्मेलन के मंच का मैं ले रहा हूँ और उदय दादा के निर्देश को सारे कवियों के लिए एक बार पुनः दोहराते हुए मैं डॉक्टर उर्मिलेश की संकेत गर्भ पंक्तियाँ कह रहा हूँ आपसे भी, अपने से भी, अपने कवि मित्रों से भी, कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे, कितनी देर कवि सम्मेलन चला, सारी रात चला कि नहीं, नहीं, कितने दिन जिंदा रहे इसकी ना करिए चिंता, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। मैं भाई कुंवर जावेद को आवाज देना चाहता हूँ। कुंवर जावेद को बहुत देर में बुलाया जाता है कवि सम्मेलनों में, लेकिन आज युवा पीढ़ी की कविता के स्वर के साथ मैं उस व्यक्ति की कविता को प्रस्तुत करवाना चाहता हूँ जो सारे देश में एक मिशन लेकर, एक उद्देश्य लेकर के कविता का घूम रहा है, जिसने राष्ट्र भाव को अपने अंदाज में जगाया है और जिस दीपक को जगा करके उसने आरती की है उस अदृश्य परमात्मा की, जनता जनार्दन की। मैं चाहता हूँ लखनऊ महोत्सव के इस परम सांस्कृतिक मंच पर कुंवर जावेद जैसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति की वाणी प्रारंभ में गूंजे, आप प्यार भरी तालियों के साथ उसे कविता पढ़ने पा दें। थोड़ा इसको बढ़ा लूँ, मैं बढ़ा लूँगा, तुम बढ़ाओ। जितनी देर माइक संभालने में लगी ये मेरे काव्य पाठ में न जोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत कम है, सबको सुनना है, सब मेरे बड़े बैठे हैं, सबकी इजाज़त चाहता हूँ। चार चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, भूमिकाओं में नहीं जाऊँगा, तमीज़ों में लखनऊ की सरजमीन है, बहुत बड़ी विरासत है, हाजिर करता। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए, मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए, गिजाएं खाते हैं ये ऐसे होटलों में, और माफी नामे के साथ गिजाएं खाते हैं ये ऐसे होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं, मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। वाह कुमार भाई, वाह वाह वाह। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, सर्वेश भाई की नजर करता हूँ,
कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर भी छिड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। बहुत अच्छा कुंवर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार मेरे जहन में ये ख्याल आया कि दुनिया में इतने देश हैं, सिर्फ एक देश है जिसके नाम से पहले श्री लगा है, श्री भारतवर्ष क्यों नहीं है? ये एक टीस पैदा हुई, श्री भारतवर्ष होना चाहिए था। हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं, इंशाल्लाह हम विश्वगुरु रहेंगे। वाह वाह। तो इस नतीजे पे पहुंचा, श्रीलंका में श्री क्यों लगा, मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, आप भी दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिएगा। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। भाई बहुत अच्छा कुंवर भाई, वाह वाह वाह। नदी तो क्या है, समंदर भी तैरने लगता, नदी तो क्या है, समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता, जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। और आदरणीय पांडे जी, उदय प्रताप जी के कदमों में ये चार पंक्तियाँ रखता हूँ, आपको भूमिकाओं की जरूरत नहीं है, तमाम मंच की नजर करता हूँ, ये चार पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। स्वागत है भैया। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, वाह वाह। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते, जो उग्रवाद को यारा जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं,
हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी लेक इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए और अच्छा वाह वाह दोस्तों ये तो हुए 5 मिनट अब 5 मिनट में अगर आप इजाजत दें स्वागत है भैया स्वागत है पेश कर वाह 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 अवश्य अवश्य मुझे अच्छी सी इजाजत दे दी अच्छी दमदार इजाजत ताकि मैं एक गीत पेश कर दूं क्योंकि गीत भी मैं लिखता हूं बहुत ज़्यादा बड़ा गीतकार तो नहीं हूं उदय प्रताप जी बहुत बड़े गीतकार हैं शिव अंबर जी तो मैं एक छोटा सा गीत एक लाइन में भूमिका यह है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम रखना चाहता है वाह मैं रोक नहीं पा रहा हूँ इतने अच्छे ऑडियंस हैं श्रोता हैं ये गीत मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ वाह वाह बहुत अच्छा मैं तेरा कौन सा रखूं नाम बस इसमें दूसरी लाइन जो है दूसरी पंक्ति उस पर आप आपको जगाना चाहता हूँ मैं तो जागा हुआ हूँ कौन सा रखूं नाम जागा हुआ वो जो अपने संस्कारों को अपने हिंदू पूर्वजों को पहचाने वो जागा हुआ मैं जागा हुआ आदमी हूँ मैं तेरा कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम भाई बहुत अच्छा कुंवर भाई वाह कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम मैं ये नहीं कहूँगा कि तालियां कमाई मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा हालांकि ऐसा है वाह अच्छा कुंवर वाह अच्छा कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम बंद पे पेश करता हूँ नाम तेरा सीता रख दूं तो मैं भी राम नहीं हूँ वाह वाह नाम तेरा सीता रख दूं तो मैं भी राम नहीं हूँ नाम तेरा मीरा रख दूं तो मैं ब्रज धाम नहीं हूँ नाम तेरा राधा रख दूं तो मैं घनश्याम नहीं हूँ नाम तेरा रख दूं जो गजल तो मीर की शाम नहीं हूँ वाह वाह अब लाइन आती है नाम तेरा गुल बदन रखूं तो नहीं हूँ मैं गुलफाम वाह 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 कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम तेरा खुशबू रख देता मैं जो भौरा होता नाम तेरा जुगनू रख देता मैं जो अंधेरा होता नाम तेरा नागिन रख देता मैं जो सपेरा होता नाम तेरा दर्पण रखता जो रूप सुनहरा होता नाम तेरा रख देता रुबाई होता अगर खैया वाह 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 बहुत अच्छा कौन सा रखूं नाम मैं तेरा कौन सा रखूं नाम क्या बात है तुझको अगर पायल कह दूं
तो मैं झनकार नहीं हूँ। तुझको अगर कातिल कह दूँ तो मैं तलवार नहीं हूँ। तुझको राजकुमार कहूँ तो राजकुमार नहीं हूँ। तुझको सर का ताज कहूँ तो मैं श्रृंगार नहीं हूँ। तुझको अगर आगाज कहूँ तो नहीं हूँ मैं अंजाम। कौन सा रखूँ ना मैं तेरा, कौन सा रखूँ ना। बहुत अच्छा, आखिरी बंद, उसके बाद 9 मिनट पूरे हो जाएंगे, आखिरी बंद हाजिर करता हूँ। आँख को तेरी झील लिखूं तो मैं गहराई नहीं हूँ। जुल्फ को काली घटा लिखूं तो मैं पुरवाई नहीं हूँ। झुकी नजर को शाम लिखूं तो मैं तन्हाई नहीं हूँ। बाहों को दो फूल लिखूं तो मैं अंगड़ाई नहीं हूँ। गर्दन को लिखूं जो सुराही नहीं हूँ मैं भी जा। कौन सा रखूं ना मैं तेरा, कौन सा रखूं ना। सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं औध की शाम। बहुत अच्छा, कौन सा रखूं। बहुत अच्छा, वाह वाह।